एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बोला है कि प्रॉब्लम्स दे रखी होगी आपको और उसकी आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो आपको दे रखा है कि दो वुमेन और फाइव मैन मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है और उसको वो पूरा करते हैं 4 दिन में। ठीक है, वाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। पर अगर इसने बोला है कि अगर उसी की जगह 3 वुमेन होती और 6 मैन होते तो वही काम 3 दिन में ख़त्म हो जाता, जो पहले 4 दिन में हो रहा था अब 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट बाय टेकन बाय वन मैन अलोन। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एक वुमेन अगर अकेली वो काम करेगी तो कितने दिन लगेंगे उसको काम कंप्लीट करने में, और अगर एक मैन अकेला काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन इक्वल्स टू एक्स डेज। ठीक है, एक्स मान लिया हमने कि एक वुमेन एक्स डेज में उसको कंप्लीट करेगी पूरे काम को। सिमिलरली टाइम टेकन बाय वन मैन बी वाई। ठीक है, इसको हमने मान लिया वाई, एक आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, वाई डेज में। ठीक है, अब एक्स डेज में अगर वुमेन काम कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगी, अगर एक वुमेन है वो एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है वर्क तो एक दिन का उसका काम कितना हो जाएगा, तो वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, एक्स दिन में सारा काम कर रही है तो एक दिन का कितना काम होगा उसका, 1/x। ठीक है, सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ मैन कितना हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ वन मैन इक्वल्स टू 1/y। ठीक है, और एक दिन का आदमी कितना काम करेगा, 1/y। क्यों, क्योंकि y डेज में वो पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। सिमिलरली इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर एक आदमी 5 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, एक आदमी 5 दिन ले रहा है काम कंप्लीट करने में तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5। ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो सही तो है, अगर एक दिन में 20 है, 2 दिन में 40 हो जाएगा, 3 दिन में 60, 4 दिन में 80% और 5वें दिन में 100% काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एक दिन में एक आदमी 5 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो गया उसका, 1/5। ठीक है, तो ये हो गई आपको एज एन एग्जाम्पल समझाने की तरीका था ये। अब इसको देखते हैं, तो अब इसने क्या बोला, इक्वेशन बना लेते हैं हम कि एक दिन का एक वुमेन का काम मालूम पड़ गया कितना कर रही है और एक दिन में एक आदमी कितना काम कर रहा है ये हमें मालूम पड़ गया। तो इसने बोला है टू वुमेन एंड फाइव मैन, तो टू वुमेन है तो क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन वुमेन थी तो 1/x था, तो टू वुमेन हो गई तो 2 × 1/x, तो मतलब 2/x। सिमिलरली फाइव मैन है तो 5/y। अब ये मिलके कितना काम कर रहे हैं, 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर ये एक एक दिन का काम है, दो वुमेन का एक दिन का काम है, 5 मैन का एक दिन का काम है, तो काम एक दिन का काम कितना होगा, अगर ये 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/4। ठीक है, क्योंकि ये एक एक दिन का काम है इनका, तो एक दिन का ही काम भी छोड़ूंगा। ठीक है, अगर 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा था तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/4। ठीक है, तो ये तो बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली अगर हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी कि 3 वुमेन एंड 5 6 मैन, तो 3 वुमेन का कितना हो जाएगा, 3/x, और 6 मैन बोला है तो 6/y। अब ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, अगर 3 दिन में पूरा काम नहीं पट रहा है तो एक दिन में कितना फिनिश होगा काम, 1/3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो ऐसे तो सॉल्व होता नहीं है, तो पहले इसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे। तो मान लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इक्वल टू बी। तो इक्वेशन क्या हो गई, 2a + 5b इक्वल टू 1/4,
और ये सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको नाम देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3a + 6b = 1/3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये होगी थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें, अगर ये डिनोमिनेटर इधर 4 है तो इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये 4 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2 दैट इज़ 8a, और 4 × 5b दैट इज़ 20b = 1। तो इसको नाम देते हैं हम फिफ्थ इक्वेशन। और ये उधर 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9a, और ये हो गया आपका 18b = 1। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब ये फाइनल इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम अगर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो क्या करेंगे, हम दोनों का कोफिशियंट सेम करना है, या तो एक्स ए का या फिर बी का। ठीक है, तो अगर हम ए का कोफिशियंट सेम करना चाहते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 8 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 by 9। ठीक है, इक्वेशन 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a + 20b = 1, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 9 दैट इज़ 72a, 20 × 9 दैट इज़ 180b, और = 1 × 9 इज़ 9। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। अब इस सिक्स्थ इक्वेशन को आपको मानना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 by 8। ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9a + 18b = 1, और इसको हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9 × 8 दैट इज़ 72a, 18 × 8, तो 18 × 8 का कितना होगा, 144b, 1 × 8 = 8। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो ये थी इक्वेशन नंबर 7 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 8। अब फाइनली हम इन दोनों को, आपका कोफिशियंट सेम हो गया, इसका भी 72 आ गया, इसका भी 72, और दोनों का साइन क्या है, प्लस। तो अब हम किसको क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों का साइन सेम होता है तो हम करते हैं माइनस। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम 7, तो 7 में से 8 माइनस करेंगे तो 72a = 180b = 9, इधर माइनस हो जाएगा 72a + 144b = 8। साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं सबके, प्लस था माइनस, ये भी प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया, 72a 72a कैंसिल, 180 - 144, तो ये बचेगा आपका 36b, और ये हो जाएगा 9 - 8 दैट इज़ 1। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/36। ठीक है, तो ये तो आ गई b की वैल्यू, अब देखते हैं a की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ तो आ गई आपकी b की वैल्यू, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस b की वैल्यू को हम किसी भी या तो फिफ्थ इक्वेशन में या फिर सिक्स्थ इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर हम इसको सिक्स्थ इक्वेशन में रखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 के आपकी 9a + 18b = 1। ठीक है, अब इसके अंदर b की वैल्यू रख देते हैं तो 9a + 18b की वैल्यू क्या है, 1/36 = 1। तो 18 × 1 = 18, 2 = 2, तो ये हो गई 9a = 1 - 1/2। ठीक है, ये 1/2 उधर जाके माइनस हो गया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9a = 1/2, 1 - 1/2 = 1/2 ओनली। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a = 1/2 × 9 दैट इज़ 1/18। ठीक है, तो b की वैल्यू थी 1/36 और a की वैल्यू आ गई 1/18। अब a और b की ओरिजिनल वैल्यू जो हमें निकालनी है वो क्या है, x और y। तो x क्या माना था हमने, 1/x = a माना था, तो ये क्या हो गया, 1/x = 1/18। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर, तो x = 18 आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, b से, तो 1/y = b था, 1/y = b, तो b की जगह वैल्यू रख देंगे हम उसकी, तो दैट इज़ 36। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 36।
तो x की वैल्यू आई 18 और b की वैल्यू y की वैल्यू आ गई आपकी 36। ठीक है, तो x को हमने क्या माना था, वन डे वर्क ऑफ वुमेन, क्या सॉरी नंबर ऑफ डेज वुमेन कैन फिनिश द वर्क। तो वुमेन कितने दिन ले रही है, वुमेन वन वुमेन कैन फिनिश इन 18 डेज, और वन मैन कितने में कर रहा है, वन मैन कैन फिनिश इन 36 डेज। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स हमने माना था वुमेन को, वुमेन नंबर ऑफ डेज कैन वुमेन कैन फिनिश वर्क, तो एक्स की वैल्यू आ गई 18, तो एक वुमेन 18 डेज में काम कंप्लीट कर लेगी। और अगर वाई, वाई क्या था अपना, मैन कितने दिन में मैन काम कर रहा है, तो एक आदमी अगर आप काम करता है तो वो 36 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग थर्ड पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।